करी थी उसमें हमने बात करी थी कि एक शीट खुलने के बाद जब आपकी एक्सेल खुलती है तो आपके सामने जो विंडो दिखता है इसमें कुछ बेसिक टर्म होते हैं जो आपको बेसिक टर्म जो है आपको यहाँ पे होना चाहिए। और बेसिक टर्म में क्या क्या था, रोज था, कॉलम्स था, सेल था, रेंज था, उसके बाद सेल एड्रेस था, उसके बाद क्या था, शीट या सीट्स था, सीट या सीट्स था, उसके बाद क्या था, डेटा। तो 1, 2, 3, 4, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और ABCD को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स बोलते हैं। एक बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। एक से ज़्यादा सेल की जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग एक रेंज बोलते हैं, और एक रेंज के बाद होता है एड्रेस। एड्रेस मतलब हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे B2, C5, D10, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेस। उसके बाद आती है कि जरूरत पे हम एक सीट या बहुत सारे सीट्स का यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं। डेटा, डेटा के बारे में क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं पहले दिन से क्यों आपसे क्वेश्चन आंसर मोड में आपसे बात करता हूँ या पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो दो राउंड होते हैं, एक वर्बल राउंड होता है, एक टेक्निकल राउंड होता है। तो डेढ़ महीने की क्लास में तो टेक्निकली इतना तो है कि लगभग 80% तो आप तैयार हो ही जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलने नहीं आता उनको, मतलब एक्सप्लेन करने नहीं आता है। तो बार बार जब आप वीडियो देखते हो, बार बार आप जब क्लास में डिस्कशन करते हो, अपने कलीग के साथ बात करते हो कोई टॉपिक के ऊपर, तो आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट पहले होता है, तब टेक्निकल राउंड होता है। अब टेक्निकल राउंड से पहले ही अगर आप छट गए तो टेक्निकल राउंड होगा ही नहीं, इसीलिए ये जरूरी है बार बार, ठीक है। तो हमने पहला टर्म देखा था कि बेसिक टर्म क्या क्या है। सेकेंड में हमने आपको बताया था डेटा फील्ड के बारे में, डेटा के फील्ड के बारे में, डेटा फील्ड्स के बारे में हमने बात करी थी, है ना। सो सेकेंड हमने बात करी थी आपसे, उसमें हमने बात करी थी डेटा फील्ड्स के बारे में, नहीं, डेटा फील्ड्स के बारे में बात करी थी कि डेटा फील्ड्स क्या होता है, कि जब भी कभी हम लोग कोई डेटा बनाते हैं तो या तो डेटा में टेक्स्ट आ सकता है, या तो नंबर आ सकता है, या तो डेट आ सकता है, या तो टाइम आ सकता है, या तो सिंबल आ सकता है, या तो मिक्स्ड आ सकता है, राइट। जिसमें हेडिंग हम लोग बनाते हैं, सीरियल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, नहीं, इसके बारे में हमने कल बात करा था डिटेल्स से। अब आती है जिसको हम लोग बोलते हैं शीट ऑप्शन, क्या बोलते हैं, शीट ऑप्शंस। शीट ऑप्शंस को समझने के लिए आपके पास एक देखो छोटा सा नोट्स रख रहा हूं, ये आपको आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा आज। शीट ऑप्शंस के बारे में समझना है कि जब हमारे पास ये जो शीट है, ये जो शीट आपने लाया, इस शीट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले शीट को लाने के लिए बस प्लस पे क्लिक करेंगे तो सीट आ जाएगा, देखो क्या लिखा है, इंसर्ट सीट। फिर आता है सीट को डिलीट करना, हमें 7 नंबर सीट नहीं चाहिए, इसी सीट के ऊपर राइट क्लिक करें। ऐसा नहीं कि आप सेल पे राइट क्लिक करो, आपको किस पे करना है, शीट पे रह के, तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल डिलीट, तो जो सीट जरूरत की नहीं है हम उस सीट को डिलीट कर सकते हैं। तीसरा है रीनेम, रीनेम मतलब होता है नाम बदलना। जैसे देखिए सीट 4 का नाम मैं लवली रखना चाहता, तो रीनेम पे क्लिक करेंगे, LOVELY, लवली लिख सकते हैं। सीट 5 का नाम मैं चाहता हूँ संतोष रखना, रीनेम करके हम संतोष कर देंगे। इस तरीके से हम सीट को बदल सकते हैं नाम। जैसे सोचो कि आपके 10 क्लाइंट हैं, तो अगर सीट का नाम क्लाइंट वाइज रहेगा तो इजीली समझ जाओगे। मान लो 10 सिटी में बिजनेस है, तो अगर सीट का नाम सिटी वाइज रखोगे प्रॉपरली तो आपको बहुत आसान लगता है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमें आना चाहिए। फिर एक होता है हाइड और अनहाइड, छुपा देना। जैसे ये सीट ऑप्शन नाम का सीट को मैं छुपा देना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके बस क्लिक कर दो हाइड पे, मतलब वो है लेकिन छुपा हुआ है। अगर छुपा हुआ सीट को वापस लाना है तो राइट क्लिक, क्या है, अनहाइड, अनहाइड पे देखिए, जैसे ही सेलेक्ट दिखेगा यहाँ पे छुपा हुआ सीट, वो अनहाइड करोगे तो सारा डेटा आपको दिखने लगता है कि उस सीट पे क्या था एक्चुअली। तो
सीट को इंसर्ट करना, सीट को डिलीट करना, सीट को रिनेम करना, सीट को हाइड करना, सीट को अनहाइड करना। अब आती है सीट को मूव करना और कॉपी करना। अभी सबसे पहला नंबर सीट क्या है? सबसे पहले नंबर सीट पे क्या है? बेसिक के नाम से है। मैं चाहता हूँ ये संतोष वाला सीट सबसे आगे आ जाए, तो बस कुछ नहीं, संतोष को पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ लवली वाला सबसे पहले आ जाए, यहाँ आ गया। मैं चाहता हूँ संतोष वाला सबसे आखिरी में चले जाए, सबसे आखिरी में। मतलब जस्ट पकड़ के खींचना है, आगे पीछे करना है, तो किसी भी सीट को आप मूव कर सकते हो। उसके बाद होता है सीट को कॉपी करना। मैं चाहता हूँ कि ये जो सीट ऑप्शन के नाम से एक मेरे पास और सीट बन जाए, तो राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे, क्रिएट ए कॉपी करेंगे और ओके करेंगे, तो देखेंगे कि सीट ऑप्शंस के बाद एक सीट ऑप्शंस टू भी बन गया, जो बिल्कुल डुप्लीकेट है। सिर्फ अंतर किस बात का है कि इसमें सीट ऑप्शन लिखा है और इसमें सीट ऑप्शन टू लिखा है। अगर हमें दोबारा नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कर लो और यहाँ से डिलीट कर दो। तो डिलीट इसीलिए सीखा, लवली वाला सीट लेके क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करके डिलीट कर लो। संतोष वाला सीट क्या करेंगे, रख के राइट क्लिक कर लो, डिलीट कर दो आप। यानी हमारे काम का सिर्फ तीन सीट था, और फाइल सेव करना आपको आता ही है। फाइल में जब जाते हो आप, सेव एज पे क्लिक करोगे, यहाँ से लोकेशन आप डाल सकते हो कि कहाँ पे सेट करना है। जैसे टुडे इज द डे टू 12 PM, नहीं डे टू 12 PM के नाम से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो हमारा सीट ये सेव हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक क्या है, डेटा फील्ड्स क्या क्या होते हैं, सीट के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। अब इसमें एक है टैब कलर चेंज करना। ये जस्ट थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए ऑप्शन होता है कि देखो सबका कलर सेम है। अगर आप चाहते हो तो राइट क्लिक करो, देखो टैब कलर में हम इसको येलो कर सकते हैं, लुक एंड फील थोड़ा अच्छा आ जाएगा। इसको हमने ब्लू कर दिया, इस वाले सीट को हमने रेड कर दिया, मतलब जो आपको पसंद है उस तरह का कलर आप इस पर एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग कलर डाल सकते हो, तो इसको कहते हैं टैब कलर। तो यहाँ से देखो इंसर्ट डिलीट रिनेम हाइड अनहाइड मूव कॉपी, कॉपी अभी नहीं बताया, टैब कलर तक हो गया। एक कॉपी, कॉपी तो बताया तो था अभी, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, राइट क्लिक मूव और कॉपी, और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्रिएट ए कॉपी और ओके, ताकि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। नहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कॉपी करना। एक आखिरी बच गया इसमें, जिसका नाम है सीट प्रोटेक्ट। इस पे एक घंटे की क्लास अलग से लगेगी, ये कंप्लीट टॉपिक है, ये बेसिक नहीं है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, इस पे हमारा कंप्लीट लगे। यानी कि इस सारे पॉइंट्स में से सिर्फ ये वाला पॉइंट आपका नहीं हुआ, और बेसिक में ये बातें समझ में आ गई कि सीट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। आर्य आदित्य क्लियर है? संतोष बाद में, कीबोर्ड वाला बाद में, पहले सीखो तो सही, फिर कीबोर्ड से कर लेंगे। हर चीज आप कीबोर्ड से कर सकते हो। कीबोर्ड में यह है कि अगर आपने शॉर्ट कीज याद रख ली, शॉर्ट कीज याद रख ली है तो ठीक है, अब भूल गए तो पता ही नहीं रहेगा कि है कहाँ पे। तो अभी हम लोग पहले 20-25 दिन तक ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि शॉर्ट कीज का यूज करेंगे। हम 20 दिन के बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, शॉर्ट कीज का यूज शुरू करेंगे। अभी भी कर सकते हैं, बट थोड़े थोड़े हल्के हल्के, कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, डेटा सेलेक्ट करना, इस तरह का काम करेंगे। अभी ज़्यादा कंट्रोल पे नहीं जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि हमने बता दिया शॉर्ट कीज और आप क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये सारी चीज़ें वो कहाँ से रहा है। क्लियर हो गया? अब आती है एक फोर्थ टॉपिक के बारे में भी, हमने कल बात करी थी, जिसके बारे में हमने बोला इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में परमानंद जी क्या हमने बोला था? एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी कभी हमें कोई वीकली मंथली डेली रिपोर्ट्स बनाना है, तो हम यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं। जिनको एक्सेल का बेसिक पता है, उनको ये पता होना चाहिए कि संडे लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली संडे से 7 days का डेटा हमने ले लिया, या 10 दिन का डेटा ले लिया। उसी तरह से मंथली रिपोर्ट बनाना है तो मंथ वाइज भी हम कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, फुल फॉर्म में कर सकते हैं। नहीं इस तरीके से डेज कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ट्यूजडे है तो ट्यूजडे से शुरू कर दो, मंडे है तो मंडे से शुरू कर सकते हो, शॉर्ट में या फुल फॉर्म में।
फुल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बाद एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन क्या होता है कि नॉर्मली एक्सेल में क्या होता है कि अगर आप कोई नाम लिखते हो, क्या नाम लिखते हो, कोई भी नाम लिखते हो, तो यू विल गेट द सेम नेम। अगर आप ड्रैग करते हो, नीचे करो, राइट के तरफ खींचो, लेफ्ट के तरफ खींचो, ऊपर की तरफ खींचो, कहीं पे भी खींचोगे तो क्या मिलेगा? सेम ही नाम ड्रैग होता है, नहीं? लेकिन अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूं तो देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अब बोलोगे सर इसका तो बहुत फायदा हो सकता है। बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि जब आपके एक कंपनी में काम करोगे तो आपकी अपनी टीम तो होगी, जिस टीम के साथ आप काम करोगे, या तो आप टीम का मेंबर होंगे या तो आप टीम का लीडर होंगे। टीम लीडर हो तब तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि टीम वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालना है, टीम वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट निकालना है, टीम वाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट बनाना है। तो हर बार आपको ये टाइप ना करना पड़े या कहीं से कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करी। तो मान लो कि आपके जितने एम्प्लॉय हैं या आपकी टीम में जितने लोग हैं, टीम वाइज रिपोर्ट बनाओ। आप कंपनी खोल के बैठे हो तो एक कप आप मान लो कि मोबाइल की एक शॉप खोल के बैठ जाओ या एक शोरूम खोल के बैठ जाओ, तो क्या आप एक ही ब्रांड का लेके बैठोगे? प्रॉपरली नहीं, मल्टी ब्रांड स्टोर ज़्यादा चलता है, ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो आप एप्पल के साथ मान लो आप 10 ब्रांड को और रखते होते, आप एक ही बार में पता चल जाएगा कि किस ब्रांड क्या हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं, कितना का रीऑर्डर होना है, कितनी की कितनी सेल हुई है, शाम में रिपोर्ट देना कि कितने ब्रांड बिके हैं, कितना शॉर्टेज में जा रहा है जिसका कि ऑर्डर होना है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स बन सकते हैं। आपका बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनी में, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है यानी आपका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में, तो कैसे आप इंडिया लिखोगे तो पाकिस्तान जाए? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी टैक्स लिखोगे तो सेम ही नाम रिपीट होती है। देखिए मैंने परमानंद का नाम लिखा तो क्या हुआ? बहुत सारा नाम आ रहा है, यानी कि इनका लिस्ट में, किसी लिस्ट में मैंने नाम पहले से डाल रखा होगा कोई भी लिस्ट में, इसीलिए हो रहा है। लेकिन लवली इतना अच्छा नाम है, इतना सुंदर नाम, फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि लिस्ट में नहीं है। अब जैसे आपके सामने ही बैठे हुए आर्यन, यही है ना, आदित्य, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ आपके नाम, आदित्य, आदित्य, कोई नहीं एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। आदित्य क्या हुआ? सिर्फ आदित्य ही आदित्य हुआ, जबकि आर्यन लिखने से और भी हो रहा है, क्योंकि आर्यन मेरा एक स्टूडेंट है अभी एग्जिस्टिंग, ठीक है। उसी तरह से सुनील, सुनील ना, सुनील जी आपका नाम देखेंगे तो आप इतना पॉपुलर है ना, हमारे मकान मालिक का भी नाम सुनील है, आपका भी नाम सुनील है, हमारे यहाँ जो गार्ड है उसका भी नाम सुनील है, हमारे यहाँ जो पोस्टर चिपकाता है उसका भी नाम सुनील है। मतलब सुनील तो मत पूछो कितने हैं, कम से कम 15, हमारे मोबाइल में सुनील टाइप करते हैं तो इतना स्क्रॉल करना पड़ता है, कम से कम 56 सुनील निकलता है। पलम्बर सुनील, पेपर सुनील, ये वाला सुनील है। स्टूडेंट में कम से कम 30 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सुनील नाम से, काफ़ी अच्छा नाम होता है, ठीक है, कॉमन नाम होता है। लेकिन आदित्य नहीं आ रहा है, लवली नहीं आ रहा है, नहीं, उसके अलावा एक जने और कोई है, हाँ, क्या नाम है सर आपका? TOKEER, ये नाम भी हमारे लिए नया है। तो देखिए, समझ रहे हैं ना, ये पहला एडमिशन है तौकीर नाम से, और आर्यन नाम से काफ़ी हो चुका है, सुनील, आदेश, ये सब नाम से हो चुका है काफ़ी एडमिशन्स। तो आखिरकार ये लिस्ट, इस तरह की लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? कस्टम लिस्ट क्रिएशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर को तो नहीं पता है ना कि आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं, आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं ये नहीं पता। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हो जिस लिस्ट में आप चाहते हो कि हम उस लिस्ट को इन फ्यूचर यूज करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड से, या फिर अगर मान लो कोई लिस्ट पहले से पड़ी है उसको कॉपी पेस्ट करके एक जगह ले आओ, जैसे मैं पहले का लिस्ट ले लिया और अभी नए नाम जो थे वो भी डाल के एक लिस्ट हमने बनाई है। बनाने के बाद क्या करेंगे, कृति
बताइए कि क्या करेंगे, कल बताया था कृति ऑनलाइन में, कृति हाँ कैसे करेंगे इसको, ताकि मैं इन फ्यूचर में, ये मेरे टीममेट्स हैं तो टीम का तो रोज रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, टीम वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट, टीम वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, टीम वाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, हमें तो इसकी खूब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसको सीखने के बाद कम से कम 10 लिस्ट अपने कंप्यूटर में बना लेना। इसका दो फायदा होगा, जब आगे पढ़ोगे वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल, वहाँ भी ये काम आ जाएगा। दूसरा, आपका ये हैबिट में भी आ जाएगा कि लिस्ट बनाते कैसे। कृति बताइए कैसे बनाते हैं, कहाँ कैसे किधर है कस्टम लिस्ट? डेटा में। ओके, इसीलिए मैंने बोला कि आपको रीज्वाइनिंग कर लो, क्योंकि जितना आसानी से हम सीखते हैं ना, उतने ही आसानी से हम भूलते भी हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी हमारे सामने बैठे हुए पांच में से पांचों लोग जवाब दे देंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही बार पढ़ा है। आप दो बार पढ़े हो तब भी पर जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपने रिविजन नहीं करी। आदित्य कैसे बनेगा? सेलेक्ट करेंगे, नहीं कॉपी नहीं करना पड़ता, सेलेक्ट करना पड़ता है, देन फाइल में जाएंगे, उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे, फिर एडवांस में जाएंगे, उसके बाद कस्टम लिस्ट मिलेगा नीचे, यहाँ आके इंपोर्ट करेंगे और ओके करेंगे, है ना। तो देखो, सीखना तो 10 सेकेंड का है, अब भूलना उससे भी कम में हो जाता है। तो भूलना आसान है, सीख के याद रखना कठिन होता है। तो अगर आपसे मैंने पूछा और भूल गए तो मेरी नज़र में आप समझ रहे हो कि आप नहीं पढ़ाई करते, चाहे आप कितने भी सफाई दे दो, बट रिविजन नहीं किया मतलब आप नहीं पढ़ते हो, सीधी बात। क्योंकि हमें कल जरूरत पड़ेगी और आज का चीज भूल गए तो ये गलत बात है, इसीलिए मैंने बोला कि इसकी भी आप रिविजन क्लास ले लो। बट रिविजन आप 100 बार करवा लो, खुद से नहीं करोगे तब तक आप जवाब नहीं दे सकते हैं, दिस इज फॉर श्योर। इसके लिए हमने कल जो बोला था कि इसके लिए पूरी प्रोसेस वाइज नोट्स भी है जो आपको सामने दिखाया था मैंने, तो यही फर्क होता है आपको रिविजन क्लास, या फिर कभी कभी मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि आप ले लो, क्योंकि आपसे ज़्यादा मैं आपको समझता हूँ। ऐसे बोला जाता है कि इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा समझता है, बट एज ए ट्रेनर मैं एक एक को समझता हूँ किसका क्या लेवल है, उसके हिसाब से कुछ ऑफर करता हूँ कि आप डबल क्लास ले लो, आप इसका आंसर दो इस हिसाब से, ताकि आप एक बेहतर जवाब दे पाएं, क्योंकि अभी नहीं दे पाएंगे तो इंटरव्यू में भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कल का पराया आज नहीं दिया और इंटरव्यू 1.5 महीने के बाद होगा तो कहाँ से आ जाएगा। इसीलिए क्लास में तो आपको किसी भी हालत में बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना है। तो हमने देखा कि कस्टम लिस्ट क्रिएशन होता है एक टॉपिक होता है जिसमें बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन। सीरियल नंबर क्रिएशन में बताया या नहीं बताया? सीरियल नंबर क्रिएशन जो वीडियो दिया है उसमें बता रखा है, अगर आपने वीडियो भी देखा होता तब भी पर जवाब दे देते। तो सीरियल नंबर क्रिएशन के लिए तौकीर आप बताएं कि क्या हमने बताया था? अरे वीडियो के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो जो मैंने भेजा कि नहीं भेजा था, वेरी गुड। सीरियल नंबर क्रिएशन में ये होता है कि सपोज मैंने आपको बोला कि एक काम करो, तुम 1 लाख से लेके 10 लाख तक का डेटा बनाओ, जैसे रोल नंबर बना दो, तुम रोल नंबर आपको क्रिएट करना है कहाँ से, 1 से लेके 10 लाख तक। एक तो तरीका है ऐसे, ऐसे में 5 महीना लग जाएगा आपको बनाने में, इसको मैनुअल मेथड बोलते हैं। अगर कोई 80 का भी टाइपिंग स्पीड है ना, 80 वर्ड पर मिनट, तब भी पर 4 महीना लगेगा कम से कम। रेंडम डाटा क्रिएशन से नहीं, सीरीज की बात हो रही है, रेंडमली तो कुछ भी आ जाएगा ना। जब देखोगे कि रोल नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, टैक्स नंबर होता है, बिलिंग नंबर होता है, वो सीरीज में चलता है। तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सीरियल नंबर कभी बिगड़ा हुआ नहीं होता। सो वो रेंडम डेटा था, यहाँ पे मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये होता है जिसमें आप मैनुअली टाइप करोगे तो कम से कम मिनिमम 3 से 4 मंथ लग जाएगा। एक तरीका होता है जब आप इसको 2 घंटे में कर सकते हो, उसको ड्रैग मेथड बोलते हैं, इससे 1 से 2 घंटे में ये काम कर सकते हो। करना क्या होता है, एक नंबर लिखा, एक और नंबर लिखा, और दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। और चूंकि 2-4-10 तो बनाना नहीं है,
आपको 10 लाख बनाना है तो एक आदमी पकड़ के बैठा रहेगा, एक आदमी गुड़गांव से आराम से मैगडी से होके खूब खाना पीना नाश्ता करके आ जाएगा, तब तक ये पकड़ के खींच ही रहा होगा। लेकिन इसीलिए जो बंदे जॉब करते हैं वो लोग सब यही यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई ये काम करने में भी हमें कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे मिनिमम, ये तो मिनिमम बोला, 3 भी लग सकता है। लेकिन 90% लोगों को यही पता होता है कि ट्रैक कर लेंगे। और इस महान आत्मा के बारे में तो बात ही मत करो जो बोलेगा कि हम सर बना लेंगे, 3-4 महीने का वक्त चाहिए। नहीं, आपको आना है दूसरे लेवल पे जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल में हम इसी काम को कर लेंगे लेस देन 10 सेकेंड्स में। बोलेंगे ऐसा क्या करने वाले हैं सर जो इतना जल्दी कर लेंगे, है ना, यही तो सीखना है। तो सीखना ये है कि एक नंबर लिखेंगे जहां से हमने स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करना तो 1 लिख दो, 1 लाख से स्टार्ट करना है तो 1 लाख लिख दो, 50,000 से स्टार्ट करना तो 50,000 लिख दो। देखो यहाँ लिख रहा है स्टेप कि राइट एनी नंबर एंड सेलेक्ट, तो हमें 1 से शुरू करना था तो 1 लिख दिया, सेलेक्ट कर लिया। होम टैब में जाओ, होम टैब में हम बाय डिफॉल्ट होते हैं, जब एक्सेल खोलते हैं तो हम होम टैब में ही होते हैं। जाना होता है हमें डेटा टैब में, रिव्यू टैब में, व्यू टैब में, बट होते कहाँ हैं, होम टैब में। ये भी टाइम बच गया ये वाला। यहाँ पे ढूंढो फील्ड, फील्ड दिखा, उसके अंदर सीरीज देखो यहाँ पे है ना कि फील्ड के अंदर सीरीज। इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, रो और कॉलम नाम। रो मतलब होता है हॉरिजॉन्टल बनेगा और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल बनेगा। तो चूंकि हमें वर्टिकल बनाना है इसलिए हमने क्या कर दिया, रो से हटा के कॉलम पे कर दिया। स्टेप वैल्यू मतलब ये एक एक करके बढ़ता रहेगा। स्टॉप वैल्यू मतलब आपको जितना बनाना है उतना, हमें 10 लाख बनाना है, ओके किया 10 लाख बन गया, पलक झपकते 10 लाख बन गया। बात समझ में आई? अभी आदित्य ने बोला था ना कि सर शॉर्ट कीज चाहिए। शॉर्ट कीज क्यों चाहिए कि अगर मैंने आपको सिखा दिया कि ये काम 10 सेकेंड में कर सकते हो तो सबको पता है ना कि क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक नंबर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फील्ड में जाएंगे, फिर सीरीज में जाएंगे, फिर कॉलम कर दिया, फिर जितना बनाना है उतना, हमें 5 ही लाख बनाना है, और फिर ओके बन गया। ये बना कि नहीं बना ये देखने में आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आप तो यही करोगे ना, लगेगा कि पेट्रोल भरवा रहे हैं फुल टंकी, नहीं इतना तेजी से बढ़ेगा, लेकिन देख रहे हो कितना फास्ट बढ़ रहा है नंबर, लग रहा है ना पेट्रोल का टंकी जो फुल करवाते थे ऐसे ही तो दिखता है नंबर जो बढ़ता है मीटर पे। बट फिर भी आपको 1 घंटा लग जाएगा ये पता करने में कि बना कि नहीं बना, अगर आपको शॉर्ट कीज नहीं आता है। इसीलिए हमें शॉर्ट कीज सीखना पड़ेगा। तो इसका शॉर्ट कीज है कंट्रोल बटन दबा के डाउन एरो की दबाओगे ना तो देखो एकदम सीधे नीचे जंप कर जाते हैं एकदम लास्ट डेटा, और कंट्रोल के साथ अप मारेंगे तो सीधे ऊपर वाले डेटा। किसी वजह से आपने डेटा मान लो ऐसे बना रखा है, मान लो कि मैंने 1 से लेके 100 तक इस साइड में बनाया, तो फिर में जाएंगे सीरीज में जाएंगे, इस बार तो चेंज ही नहीं करना है, 100 तक बनाना है, 100 लिख दिया और ओके कर दिया, ऐसा डेटा बन गया। अब ऐसे डेटा में एक तो होता मैनुअली ऐसे जाना, और एक होता है कंट्रोल दबा के एक ही बार राइट एरो की करो सीधे 100 पे, लेफ्ट करोगे सीधे फर्स्ट पे, डाउन करोगे तो सीधे डाउन पे, और सीधे अप करेंगे तो सीधे अप पे। बात समझ में आई? तो ये शॉर्ट कीज अगर याद रखना है या यूज में लाना है तो ला सकते हो अभी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट कीज हम धीरे 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 आपको बताना शुरू करेंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो सीरियल नंबर क्रिएशन सीख लिया आपने? अच्छा, सीरियल नंबर क्रिएशन बड़ी मज़ेदार चैप्टर है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको 19 का पहारा आता है, जिसको टेबल बोलते हैं, 19 का टेबल आता है? भूल ही गए होंगे मैक्सिमम लोग, क्या आता है? आदित्य तो सबसे यंग है, बताओ तो आदित्य। हाँ गिनती हिंदी, अरे हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बताओ। 1958, 1975, 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 1975
ही स्टूडेंट होता है जिसको कि ये टेबल पता होता है, किसको किसको होता है, या तो जल्दी हाल फिलहाल में 10th 12th किया हो, या तो जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है उसको तो कम से कम 50 तक का टेबल जुबान पे होता है, तभी आप
इतना जल्द पीओ वगैरह में जो होता है ना 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 40 मिनट में, तो समझ लो 30 से 40 सेकेंड का टाइम लगता है। तो वहाँ पे अगर पेन और पेंसिल लेके बैठ गए कैलकुलेशन करने तब तो हो गया आपका, मेंस तो दूर हो गया, पीटी भी। तो दो तरह के लोगों की ये टेबल बहुत स्ट्रांग होती है, एक तो जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे होते हैं उनका, और एक होता है जो जनरल कॉम्पिटिशन, और बाकी लोगों का नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि 8वीं 9वीं तक तो भाई डर से आप याद करते हो, बाद में तो धीरे धीरे हीरो बन जाते हो, नहीं आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, इसीलिए भूल जाते हैं। तो भूल गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसी को रिकॉल करवा रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कहाँ जाएंगे, फील्ड में। फील्ड में कहाँ जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में कहाँ जाएंगे, कॉलम में। कॉलम में आखिरी 19 दही का 190 ही बोलते हैं ना, और इसका स्टेप हुआ 19 का। अब देखो स्टेप समझ में आया, यानी 2 के पहारा में 2 का स्टेप रहेगा, 4 के पहारा में 4 का स्टेप रहेगा, 10 के पहारा में 10 का स्टेप रहेगा। बचपन में तो आपने 10 ही तक का पढ़ा पहारा पढ़ा है ना, आपको 100 का पहारा बनाना है, 55 का पहारा बनाना है, 12.36 का पहारा बनाना, जो बनाना है सब बना सकते हो क्योंकि अब आप कंप्यूटर सीख रहे हो। 19 का पहारा बनाना है, 19,000 तक का बनाना है लो, और ये देखो 19 दही का खत्म हो जाता था, ये खत्म ही नहीं होगा, पढ़ो आप पढ़ते रहो, नहीं पढ़ते रहो खत्म ही नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ट्रिकी तरीके से अपने आप को, जो जनरल कंपटीशन के बच्चे होते हैं उनको करना ही पड़ता है, नहीं करेगा तो ना कर अगर कह रह जाएगा, पीटी नहीं निकलेगा, मैथ्स की तो और वाइवा की तो दूर की बात है। तो उसी तरह से जब साइंस पढ़ते हो तो आपको पीरियडिक टेबल याद रखना पड़ता है, नहीं उसी तरीके से कंप्यूटर वाले स्टूडेंट को भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो कंप्यूटर में क्या रखना पड़ेगा वो तो टाइम के साथ हम बता देंगे आपको। फिलहाल कस्टम लिस्ट क्रिएशन एंड विल कस्टम लिस्ट, सीरियल नंबर क्रिएशन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। इन बिल्ड मतलब जो पहले से बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट बना हुआ, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, टाइप कर दो ड्रैग कर दो हो गया। ये हुआ बनाने का तरीका, क्योंकि लवली जो है उतना पॉपुलर नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स को पता हो कि लवली क्या है, लेकिन संडे पता है उनको, परमानंद नहीं पता है, ब्रजेश नहीं पता है। तो जो चीज़ें आप यूज करोगे, जो लिस्ट को यूज करोगे वो डायनेमिक नहीं होता है, वो आपको खुद क्रिएट करना है, इसीलिए कस्टम लिस्ट क्रिएशन सीखते हैं। जो बना हुआ है वो तो आसान है, ये तो कोई भी समझ जाता है एक ही बार में। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर सुनील जी पक्का। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम बेसिक टर्म को समझे, कैसे हम डेटा फील्ड के बारे में समझे, कैसे हम सीट ऑप्शंस के बारे में समझे, कैसे हम इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में समझे, कैसे हम कस्टम लिस्ट क्रिएशन के बारे में समझे, कैसे हम सीरियल नंबर क्रिएशन के बारे में समझे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक मैंने कल चर्चा किया था रैंडम डेटा क्रिएशन, रैंडम डेटा क्रिएशन। रैंडम डेटा क्रिएशन का मतलब होता है कि जब भी कभी प्रैक्टिस के लिए डेटा आप बनाओगे तो आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप दो फंक्शन यूज कर सकते हो, एक रैंड और दूसरा रैंड बिटवीन। तो रैंड में क्या होता है कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू आती है और उसको ड्रैग कर लेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही, 1 कभी नहीं होता, हमेशा लेस देन 1 होता है और डेसिमल में होता है, रैंडम डेटा बनता है। तो फिर एक सलाह है, कॉपी बंद रखिए क्योंकि लिखने का कुछ नहीं जरूरत है, लिखने वाला काम घर में। अभी कॉपी में लिखने वाला होता तो मैं प्रोजेक्टर पर नहीं पढ़ाता, सब चीज़ लिखा हुआ है, सब चीज़ रिपीटेड मोड में हम करवाते हैं, इसलिए अपना कंसंट्रेशन को भंग ना करें लिखने में। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि इसके नोट्स मिलेंगे, इसके नोट्स मिलेंगे, इसकी शीट्स मिलेगी, इसकी वीडियो मिलेगी, तो लिख क्यों रहो, क्योंकि लिखोगे तो ब्रेन तो डिवाइड होगा दो भाग में, एक जगह ध्यान में जा रहा लिखने पर, तब तक मैं कोई अच्छा चीज़ बताया और स्किप करिए, और बाद में पूछोगे सर मैं तो लिखने में रह गया था इसीलिए क्या बोला फिर से बताओ। इसीलिए पूरा आप अपना 100% कहाँ देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे,
यहाँ पे है आपके लिए ऑप्शन। रेंट बिटवीन के बारे में कल भी बताया था, लवली बताइए क्या होता है। वेरी गुड। हम अपनी लिमिट बता सकते हैं कि मान लो कि हमें 10,000 से लेके 50,000 के बीच में कुछ रेंडमली डेटा बना, ये कोई सीरीज नहीं है कि 48,200, 426 के बाद कोई और 27 आएगा, क्या आएगा ना आपको पता ना मेरे को पता, इसलिए इससे OTP भी जनरेट होता है और रेंडम डेटा भी क्रिएट किया जाता है। दुनिया में जितनी भी OTP जनरेट होता है वन टाइम पासवर्ड, वो इसी से तैयार होता है। जैसे ये मान लो कि 11715 है, आपने किसी को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा 12914। या आप ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आता है OTP जो कुछ सेकेंड के लिए वैलिड होता है या कुछ मिनट के लिए वैलिड होता है। अगर आपने उस बीच में अपना पासवर्ड रिसेट करना चाहेंगे तो वो आपको देता है। तो दुनिया में जितने भी OTP का कॉन्सेप्ट है वो किससे बना है, रेंट बिटवीन के ही कॉन्सेप्ट से बना है। अब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और उसको इतने अच्छे तरीके से भूल जाओगे जब हम पूछेंगे तब फिर अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं कि रेंट बिटवीन का खासियत यही होता है कि जब भी कभी डेटा को आप इस सीट पे कोई भी काम करोगे तो हर बार डेटा बदल जाता है। तो हर बार डेटा ना बदले इसके लिए क्या होता है, क्या पेस्ट स्पेशल, एक तो पेस्ट होता है, एक टूथपेस्ट होता है और एक पेस्ट स्पेशल होता है। ये कौन सा वाला है, पेस्ट स्पेशल है, टूथपेस्ट नहीं है ना ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला है, ये पेस्ट स्पेशल है। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए विथ नोट्स हमने कल बताया था, वो शीट भी आपको दिया था, तो क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है पेस्ट स्पेशल के लिए वो आप देखेंगे यहाँ पे। और आज तो आपको फील हो रहा होगा कि आज की क्लासेस मोटिवेशनल वाली नहीं है, ऐसा नहीं कि सब दिन हम आपको 45 मिनट मोटिवेट करें या 2 मिनट पर आपको भेज दें, नहीं, तब तो पता चला एक्सेल 3-4 साल चलेगा, डिग्री कोर्स हो जाएगा, बैचलर इन एक्सेल, नहीं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, बैचलर इन आर्ट्स करते हैं, वैसे हो जाएगा बैचलर इन एक्सेल, 3 साल का कोर्स बन जाएगा। इसीलिए हो गया मोटिवेशन ख़त्म, आपको पता चल गया है कि बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब क्लास में आपको कुछ करवाया जाता है तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पर होने चाहिए, जब मैं आपको ग्रुप में कोई चीज़ें भेजता हूँ वहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस करो अपने घर में इम्पोर्ट करके, वीडियो देखो और वीडियो से भी आपको ध्यान देना है। इसलिए कुछ नहीं कहता है कि ये जो बार बार बदल रहा है ना इसको ना बदले, इसके लिए कहता है कि सेलेक्ट करो डेटा को, कैसा, कोई भी डेटा को कर सकते हैं, वैसे ये तो डेटा हमारा रैंडम डेटा है, नहीं yes. फिर क्या बोला, कॉपी कर लो, तो कंट्रोल सी से भी कॉपी होता है, या फिर देखो ये सीजर के नीचे कॉपी का सिंबल है, कॉपी पर क्लिक कर दो, या राइट क्लिक करोगे तो भी पर कॉपी का ऑप्शन, इतने सारे कॉपी का ऑप्शन, कॉपी करने के बाद कहता है कि राइट क्लिक करो यहीं पर, फिर मिलेगा पेस्ट स्पेशल और यहाँ मिलेगा वैल्यू और यहाँ पे मिलेगा ओके, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यू देन ओके, हो गया आधा पार्ट फ्रीज हो गया, बट आधा पार्ट नहीं हुआ क्योंकि दोबारा मैं बता रहा हूँ, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देखो कंट्रोल ऑल्ट और वी, अगर शॉर्ट कीज में यू करोगे तो कंट्रोल ऑल्ट वी करोगे तो वही पेस्ट स्पेशल वाला खुला, इसमें देखिए वैल्यू में आके ओके कर देंगे, हो गया, मतलब ये शॉर्ट कीज पे बाद में जाएंगे, शॉर्ट कीज तो धीरे धीरे हैबिट में लाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पहले आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। शॉर्ट कीज तो 2-4-5-10 दिन के बाद आप धीरे धीरे यूज करना शुरू कर देना, अभी ज़रूरत नहीं, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि बेसिकली हम लोग कैसे ये सारी चीज़ें यूज कर पा रहे हैं। यहाँ तक में समझ में आया, अब देखो एक छोटा सा आपके लिए समरी है पूरे ट्रेनिंग का, वो है प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन, क्या है प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन, हमने जो जो बात करी सब यूज हो जाएगा। मान लो किसी ने बोला है आपको कि मेरे को 500 डेटा तैयार करना है, तो उसके लिए सीरियल नंबर तैयार करने के लिए सीरीज बनाएंगे, कैसे, फील्ड में सीरीज कॉलम, और यहाँ 500 डेटा बनाना था तो 500 ही बनाएंगे, हम 500,000 क्यों बनाएंगे। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, सेल्स पर्सन का नाम, क्या है, लवली, तो अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि इतने सारे नाम कहाँ से आ रहे हैं, ये किसका एग्जांपल हो गया,
कस्टम रिस्क क्रिएशन जो पढ़ा था उसका फायदा मिल गया। मैंने बोला ये बंदे जो है क्या बेचा, कौन सा प्रोडक्ट बेचा, तो मैंने बोला एक्सेल बेचा। तो देखो किसी के साथ यानी कि इसका लिस्ट नहीं बना हुआ है, एप्पल करते हैं तो पता चली गया ना कि कौन सा प्रोडक्ट किसने बेचा, कब बेचा, नहीं अपडेट कैसे बनाओगे, नहीं रेंट बिटवीन लगा दो, ठीक है फिर से भी बना सकते हैं, रेंट बिटवीन लगा दो। देखो क्या कहता है, बॉटम कॉमा टॉप, एक नया चीज सीखने जा रहे हैं, यानी कि रेंडमली नंबर बनाना तो सीख ही लिया, रेंडमली डेट कैसे बनाएंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि ये डेटा 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो, तो पहली डेट को हम ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, 1 जनवरी 2020, और दूसरा लिखेंगे एक और डेट, जैसे आपने लिखा 31 दिसंबर 2022, क्यों अभी बिका कहाँ, 21 तक ना 22 तो आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा आज तक का डेट ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आज तक का डेट ले सकते हो। आज क्या है, 27th of September 2022, आज तक का डेटा कवर अप हो गया। तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, क्या आएगा नंबर, डेट आया नहीं। देखो यहाँ पे सामने जनरल दिख रहा है, इस जनरल पे क्लिक करेंगे और इसको डेट फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेंगे। कभी कभी ये हैश टाइप का दिखेगा, तो ऐसा नहीं कि कुछ आया कुछ नहीं आया, इसको जगह ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बढ़ा दें। चूंकि हमने रैंड बिटवीन से बनाया तो अभी 7 जून 2020 दिखा रहा, थोड़ी देर के बाद ये 22 दिखाने लगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जो पेस्ट स्पेशल पड़ा था वो भी यूज हो गया डेटा बनाने में, पेस्ट स्पेशल में चले गए, वैल्यू कर लिया और ओके कर लिया। तो देखो क्या क्या यूज हो रहा है, कस्टम लिस्ट क्रिएशन यूज हुआ, रेंट बिटवीन यूज हुआ, पेस्ट स्पेशल यूज हुआ, सीरियल नंबर क्रिएट हुआ। अब आधा से ज़्यादा बच्चा तो ये बोलता है सर मेरे पास डेटा ही नहीं होता, बना लो ना भाई, अब तो मैंने तुमको पूरा समुद्र ही बता दिया टेक्निक, करोड़ों डेटा क्रिएट कर लो इतने में, नहीं अगर आप लोगों को छोड़ के किसी और को मैं ये डेटा दिखाता जो मेरा स्टूडेंट नहीं होता, तो कहीं से लग रहा है कि ये डेटा ऐसी फेक डेटा है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है कि ओरिजिनल सीरियल नंबर है, ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल प्रोडक्ट का नाम है, ओरिजिनल किस दिन बिका है, कितने में बिका है, सेल्स प्राइस एसपी, सेल्स प्राइस कैसे बनेगा लवली, ओरिजिनल रहता तब तो एप्पल का जितना प्रोडक्ट का दाम होता उतना लगाते, नहीं तो समझ में आया, एक प्रोडक्ट 1000 रुपए से लेके मान लो 10,000 के बीच में कोई एक डेटा क्रिएट करना है, तो सबके सामने कुछ डेटा लग गया। अब चूंकि डेटा अभी दिख रहा है कि एप्पल 6000 का है और थोड़ी देर के बाद घट के 1200 हो गया, तो गलत बात हो गया ना, तो इसको सेलेक्ट करके फिर से क्या जरूरत पड़ा, पेस्ट स्पेशल। तो देखिए ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है, पुराना फोन भी मिलता है जो 3000 में मिल जाएगा, एक और बिक्री का है 5000 में चाहिए तो बोलो, तो सब प्रोडक्ट एप्पल होने से क्या हो जाएगा, एप्पल एक लाल वाला एप्पल होता है वो 200 रुपए मिलता है, हरा वाला मिलता है वो 50 रुपए किलो, सनी मार्केट में 50 रुपया का 4 किलो मिलता है सरा हुआ वाला, तो कैसे एक दाम दे देंगे। रियल टाइम में भी प्रोडक्ट के नाम वेरी करेंगे, और प्रैक्टिस वाले के लिए भी बना रहे हैं तो वेरिएबल, इसीलिए तो ये ओरिजिनल दिखता है, तो ये प्रैक्टिस के लिए बट ओरिजिनल दिखता है, उसके पीछे का यही रीजन है, ठीक है, इसलिए कभी भी बात समझ में आ रही है। तो देखो आप जो बोलते हो कि मेरे पास डेटा ही नहीं होता है सर, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आज मैंने वो सारा टेंशन आपको खत्म करवा दिया कि जितनी मर्जी उतनी डेटा तैयार कर, फील्ड तो आपको बता ही दिया नहीं, अब हमारे पास क्या हो गया सबका। अब मान लो कि यहाँ पे एक दो कॉलम के बीच में एक कॉलम और एडजस्ट करना है, तो राइट क्लिक करके एक इंसर्ट नाम का चीज होता है जो हमें कॉलम इंसर्ट करता है, राइट क्लिक करके इंसर्ट नाम का चीज होता है जो हमें कॉलम तो फिलहाल नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मान लो कि क्लाइंट का मोबाइल नंबर चाहिए। आप ज़्यादातर जब आप बड़े मॉल्स में जाओगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, क्यों, वो यूनिक फीचर होता है। लवली कितना बार बिग बाजार में गई है, कितना बार फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, कितना बार कहाँ से, इनका पूरा रिकॉर्ड रहता है उनके पास,
तो लगेगा ना कि जैसे जींस में इनको ज्यादा रुचि है, तो जब भी जींस की सेल लगेगी इसके पास मैसेज आ जाएगा कि एक के साथ सात जींस फ्री नहीं, और सात गुना प्राइस बढ़ा के फिर कंपनी, तो खैर पॉलिसी होता है ना, तो उसके लिए मोबाइल नंबर चाहिए। तो ये मोबाइल नंबर कैसे बनेगा, तकी टॉकी कैसे बनेगा मोबाइल नंबर? अभी तो हम ओरिजिनल एग्जैक्टली यहाँ भी हम रेंट बिटवीन का यूज कर लेंगे, है ना, यहाँ भी हम लोग रेंट बिटवीन का यूज कर लेंगे। हेलो, बस उनको दो मिनट होल्ड करवाइएगा, मतलब वहाँ पे बोलिएगा बैठने के लिए, बस दो मिनट में कॉल बैक कर, दो नहीं पांच मिनट, ठीक है। रेंट बिटवीन में देखिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो 10 डिजिट का कोई भी नंबर दे दो, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 एक भी नंबर नहीं लगेगा कि फेक है, सब लगेगा ओरिजिनल है। नाम तो आएगा क्योंकि इसमें 10 डिजिट का है, तो पता नहीं कौन का जाके नंबर है ना, ये नंबर अगर मार्केट में लॉन्च हो गया होगा तो किसी का तो नंबर होगा, बट ऐसी गलती मत करना कि रेंट बिटवीन से निकाल के नंबर मिलाना शुरू कर देना, नहीं कंपनी वाले नहीं करते, ये टेंथ वाले स्टूडेंट करते हैं। लड़की का नंबर मिला तो प्रिया दिखा मिला कि बस लग गए काम पे, अब ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट थोड़े कम करते हैं, ग्रेजुएशन वाले नहीं करते, ये आठवीं नवीं वाला स्टूडेंट तो ढूंढता लगता है कि लड़की का नंबर मिल जाए खाली किसी, उसके बाद तो सारा काम छोड़ करके टेंथ का एग्जाम की तैयारी छोड़ के बस लग जाता है उस नंबर पे, है ना, कुछ नया मिलेगा। हमने गलती से एक ओरिजिनल डेटा शेयर कर दिया था किसी स्टूडेंट के साथ, ओरिजिनल डेटा, अब हमारे पास आया कि सर ये नंबर तो सिर्फ आपके पास था, तो बहुत सारे लोगों का कॉल आता है मेरे पास, ऐसे कैसे फिर मैंने बोला कि नहीं अब ओरिजिनल डेटा किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सारे छोटे बच्चे टीनेजर टाइप के लोग बच्चे तो कुछ काम धाम तो है नहीं, तो वो ट्वेल्थ करने के बाद तो पापा मम्मी का डंडा शुरू हो जाता है, नहीं कि बेटा आप कब तक, और ग्रेजुएशन के बाद तो फिर पूरा ही, और ग्रेजुएशन के बाद अगर बीबी आ गए तब तो खैर जीना आराम हो जाएगा अगर आप जॉब नहीं करते हो, तो समझ ही रहे हो कि, और अगर उस वहाँ तक भी टल गया बच्चे हो गए तब तो फिर बच्चे भी बाल्टी लेके आएंगे उठ के पूछने के लिए, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे जैसे हमारी जो जिंदगी होती है ना कीप के तरह होती है, कीप मतलब ऐसे होता है शंकु के आकार में होता है, जब हम छोटे होते हैं हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे जैसे बढ़ते उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और लोगों की उम्मीदें भी उतनी बढ़ती जाती है और प्रेशर भी, शुरुआती दौर में बोलेंगे मेरा बेटा ये मेरा बेटा वो, उसके बाद फिर बोलेंगे मेरा बेटा इतना नालायक कि देखो, तो सबसे ज्यादा बुरा कब लगेगा आपको, जब बोलेंगे कि बेटा पता है पलामा का लड़का जो है ना एसपी बन गया, वो दरोगा बन गया, तब तो और आपको टशन दुख होगा कि भाई ठीक है बन गया कोई बात नहीं है, हमने नहीं पढ़ा नहीं बना, अब तो पढ़ने दो, अब तो काम करने दो जो हम करना चाहते हैं। आज धीरू भाई अंबानी अगर पेट्रोल पंप पे काम नहीं किए होते तो इंडिया का सबसे बड़े आइकॉन्स नहीं बनते, कोई आईएएस ही ऑफिसर बनते ना ज्यादा से ज्यादा, मतलब उससे तो बड़ा बना। इसलिए जो बीत गया उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है आज से, तो ये चीजें जरूरी है पॉजिटिवली कि आप आज को कैसे देखते हो, आज से कल बनता है, जो बीत गया उसको ना करने से रह जाओगे कुछ नहीं होने वाला, आज से ठीक करो, यही है सच्चाई। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये चीजें नहीं समझते, आज को आज में निकाल दिया, कल वाला मैं बोलेगा क्या करें मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं मेरे को पापा ने पढ़ाया नहीं, और अभी पढ़ने बोल रहे हैं तो टाइम नहीं है, है ना, अभी पढ़ने बोल रहे हैं तो टाइम नहीं, गर्लफ्रेंड में लगे हुए हैं, बॉयफ्रेंड में लगा हुआ है, हाय खाया कि नहीं खाया है, इसी में पूरा 6-6 घंटे निकल जाता है खाली कि हमारी गर्लफ्रेंड खाई कि नहीं खाई, और लड़की लगी रहती है बॉयफ्रेंड खाया कि नहीं खाया, मेरा बाबू खाए कि नहीं खाए, अगर बोल दिया गलती से खा लिया तो बोलेगा कितना खाया, कितना खाया तो फिर बोला क्या खाया, हम यही सोच रहे थे भाई इतने देर तक लोग बात क्या करते हैं, क्योंकि हमने लाइफ में इतना बात नहीं किया, कभी भी इतना बात किया नहीं है, तो देखते हैं कि फालतू का लगा रहता है,
तो भाई अपना प्रेजेंट तो खराब कर ही रहे हो आप, फ्यूचर में जाके अपनी फैमिली का खराब करोगे, तो सुधर जाओ वक्त रहते। यही है समरी ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो बात तो आज भी होती है, लेकिन जैसे वक्त के साथ आपको अपने आप को सुधरना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरे लोग समझाते ही रहेंगे लाइफ भर। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। अब हम कल मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ, और इस वीडियो को मैं शेयर करूंगा, एक दो घंटे में ये लाइव हो जाएगा, फिर आप